गाइस वेलकम टू द चैनल। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई न्यूज़ आप सबने देख ली होगी कि दिवाली के पटाखे दिल्ली में बैन हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द एरियाज दिल्ली NCR में, गुड़गांव में भी बहुत सारी जो शॉप्स चल रही थी, बहुत सारी वो शॉप्स भी क्लोज हो गई हैं। तो इन केस अगर आप प्लान कर रहे हैं गुड़गांव जाने का, चाहे वो आप किसी के भी पास जा रहे हो, स्टार नाइट हो गया, बालाजी हो गया, अनंत हो गया, नागपाल एंड सन्स हो गया, तो फर्स्ट एक बार आप कॉल करके कन्फर्म कर लीजिए कि भाई शॉप्स अवेल खुली हैं या नहीं, और फिर आगे आप प्लान कर सकते हैं। बाकी जितने मुझे इनपुट मिला है, दिल्ली में मोस्टली मार्केट बंद हो चुकी है। जो रोहिणी आज़ादपुर की तरफ जो शॉप्स थी वो मोस्टली क्लोज हो चुकी है। जो भी मिल रहे हैं चोरी छुपे अब हर जगह मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत महंगे हो गए हैं पटाखे, तो अब वो देखेंगे कि और महंगे हो जाएंगे जब तक वो अपना प्लान करेंगे लेने का। बाकी जिन्होंने स्टॉक अप कर लिया है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 100-200% रेट इंक्रीज होने वाला है पटाखों का। तो छोड़िए इस बात को, करते हैं साइड। आज हम ट्राई करने वाले हैं सोनी के दो नए स्काई शॉट जो हमारे पास आए हैं। एक का नाम है रंगधारा और एक है रेड। देख सकते हो रंगधारा लेफ्ट में है, रेड क्रॉस राइट में है। इस तरीके से ये होने वाले हैं। आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, बट प्राइस की अगर मैं बात करूं, रेड क्रॉस जो हमने लिया, रेड क्रॉस हमें पड़ा था 800 रुपये का। रंगधारा जो हमें पड़ा था, ये हमें ये मोटा मोटा हमको पड़ा था 600 रुपये का। ठीक है, शेल्स में दोनों में कोई डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसका भी डायमीटर इतना ही है, एक उंगली के बराबर, और अगर मैं इसे देखूं तो इसका डायमीटर भी एक उंगली के बराबर है। ठीक है, तो बिना देरी करे इन दोनों को लेके चलते हैं खुले एरिया में और देखते हैं इनका कैसा आउटपुट इसका निकलने वाला है। बाकी दोनों ही ग्रीन फायरवर्क्स है, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन फायरवर्क्स है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट बैक ऑफ द बॉक्स मेंशन्ड होगा, प्लस आप देख सकते हो ग्रीन फायरवर्क्स यहाँ पे भी मेंशन्ड है। तो चलिए ठीक है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ग्रीन फायरवर्क्स हम यूज कर सकते हैं। तो लेके चलते हैं इसे ओपन एरिया में और आप बताइए कौन सा आपको बढ़िया लगा। ये सोनी का रंगधारा, तो चलिए आउटपुट देखते हैं इसका कैसा रहने वाला है। ये अब हम ट्राई करने वाले हैं सोनी रेड क्रॉस, तो देख सकते हो। तो देखते हैं कुछ इस हिसाब का आउटपुट आएगा। इसमें लग रहा है कि 4-5 बार धमाका होगा, तो चलिए चेक करते हैं इसे भी। तो भाई ये लाइट अप कर दिया है, साइड हट जा बिल्कुल। तो ये कर दिया यार, ज़्यादा हाइट नहीं थी इसलिए यहाँ दाजना। ये यार ज्यादा हाइट नहीं थी, ये यार ज्यादा हाइट नहीं थी, बट काफी बढ़िया आउटपुट देख सकते हो पूरे छल्ले आप हवा में। और ये रहा पूरा धुआं, अभी तक इसकी चिंगारियां नीचे गिरते हुए। भाई रेड क्रॉस और रंगधारा दोनों का आउटपुट आपने देखा, तो अब आप बताइए कि आपको कौन सा आउटपुट बढ़िया लगा। दोनों एक तरीके से सेम ही थे, तो दोनों का आउटपुट सेम था, बस एक का कलर गोल्डन था, दूसरा रहा रेड। तो बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सा बढ़िया लगा, और इस रेंज में कोई और आप बताओ स्काई शॉट जो कि हमें ट्राई करना चाहिए। ठीक है, और फिर अगर वो स्काई शॉट हमें कहीं से अरेंज कर पाते हैं तो उसकी टेस्टिंग भी ज़रूर करेंगे। टिल देन गुड नाइट, आप सब अच्छे से रहिए और कमेंट करते रहिए कि और कौन सी नई चीज़ें हमें ट्राई करनी चाहिए। ओके देन, बाय।